खबर है आगरा से। आगरा में डेंगू के साथ साथ वायरल के भी मामले लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। शहर के साथ साथ देहात में भी अब डेंगू और वायरल पैर पसारने लगा है, जिसके चलते समस्या प्रशासन व स्वास्थ्य के लिए बड़ी चिंता का विषय बनती जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के दूत आलोक कुमार ने आगरा में डेरा जमा लिया था। आलोक कुमार आगरा के साथ साथ पूरे मंडल पर निगरानी बनाए रखे हुए हैं और खुद जिला अस्पताल और पीएस व अन्य हॉस्पिटल में पहुंचकर जमीनी हकीकत को भी देखा। आगरा से दिव्यांशु राय की रिपोर्ट। डॉक्टर गुरमीत सिंह, यहाँ पर देखने में आ रहा है कि बच्चे बहुत आ रहे हैं, तो क्या कारण है सर इसका? इसमें फ्लू के ज्यादा बच्चे हैं सर, बुखार खांसी से संबंधित वही ज्यादा आ रहे हैं। तो इनमें सिम्टम्स क्या दिखाई दे रहे हैं सर? बुखार, जुखाम, खांसी, यही है। तो लगभग कितने डेली बच्चे आ रहे हैं? लगभग 100 के आसपास बच्चे, कभी 25 कम, कभी 25 ज्यादा, 100 के आसपास रहता है। सभी में बुखार के मेजोरिटी ज्यादातर 80% शासन से। अभी हमारे एक नोडल अफसर आए थे, यहाँ 4 दिन जनपद में रुके थे। हमारे 15 ब्लॉक और शहरी एरियों में जो अपनी तैयारी थी उनका उन्होंने जायजा किया, स्थायी निरीक्षण भी किया। हमारी जितनी सीएससी पीएससी प्लस अर्बन एरिया में नगर निगम या नगर पालिका, रूरल में हमारी जितने ब्लॉक्स हैं बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे हैं। जैसे भी हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स, सरकारी हॉस्पिटल्स या जो पैथोलॉजी है प्राइवेट या सरकारी, उससे हम रिपोर्ट डेली ले रहे हैं, और जहां भी हमारे सस्पेक्ट केसेस या जो केसेस हैं जहां कंफर्म होता है उस केसेस को लेकर के अलग से स्पेशल हमारी मेडिकल की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम प्लस सफाई के लिए विशेष वहां कैंप लगाया जाता है। कम से कम 2 दिन वहां रह करके हम लोग आसपास के जितने भी हमारे इस तरह के लोग हैं जिनको फीवर है उसका इलाज किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि लोग अगर कुछ इस तरह का सिम्टम्स होता है अर्ली अपने को आकर के उनका इलाज करें, इसके लिए उनको जागरूक किया जा रहा है। अलग से हम लोग एंटी लावा का छिड़काव व्यापक रूप में कर रहे हैं। जो संख्या है, चूंकि आगरा में मेडिकल कॉलेज है और आगरा एक मेडिकल का हब है, यहाँ आसपास के जिलों से भी काफी पेशेंट्स आते हैं, यहाँ पे खून की कमी नहीं है, इसके लिए जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेकर के अलग से कैंप भी लगाया गया है। प्लेटलेट्स हमारे मेडिकल बैंक जो हमारे एसएन मेडिकल में यहाँ है, अलग से यहाँ कुछ एनजीओ है वो भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन टॉप प्रायोरिटी है अभी अलग से किरोसिन मंगा लिया गया है, बिकॉज एक मेडिकल टीम को उनकी जरूरत थी छिड़काव करने के लिए। 400 लीटर को अवेलेबल करा दिया गया है। पिछले 48 घंटे में जनपद में जो केस आए हैं, एक कंफर्म केस आया है, बाकी सस्पेक्ट केसेज हैं। अलग से जो उनकी एक रैपिड एंटीजन किट होती है वह भी दिया हुआ है, ताकि वही को टेस्ट कर ले और कंफर्मेटरी फिर ऐसे मेडिकल में आता है रन करने के।